नमस्ते दोस्तों, मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि सर हमको लैपटॉप खरीदना है, किस ब्रांड का हमको लैपटॉप लेना चाहिए। अगर आप भी कंफ्यूज हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं किस ब्रांड का आपको लैपटॉप लेना चाहिए, तो इस वीडियो को देख लीजिए। आपको गाइड करूंगा कम से कम 5 ब्रांड के अंदर किसको प्रेफर करना चाहिए। जैसा आप सब जानते हैं, मैं कंप्यूटर के क्षेत्र में एक्सपर्ट हूँ, पिछले 18-19 साल से मैं काम कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी जानकारी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उसके बाद चैनल पर पहली बार आए हुए उससे वीडियो पसंद करते हैं, प्लीज ये लाल वाला बटन चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए। मैं आ चुका हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, मेरा आईडी है जोगिंदर ज्ञान, मुझे फॉलो कर लीजिए। आपके मन कंप्यूटर लैपटॉप रिलेटेड कोई सवाल अगर है पूछे मेरे इंस्टाग्राम आईडी के, प्रयास करता हूँ हर सवाल का जवाब दूँ और आपको मैं सेटिस्फाइड हूँ दोस्तों। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, जब लैपटॉप लेने जाएंगे ना, तो आपको दुकानदार जो चाहता है वो बेच देता है, इस बात को नोट कर लीजिए। अगर आपने प्लान कर लिया है कि किसी ब्रांड का लैपटॉप लेने के लिए, दुकानदार के पास जाएंगे, दुकानदार से बात पूछेगा और आपको बताएगा कि भैया ये वाला लैपटॉप ले लीजिए, इसमें जो है ज़्यादा फायदा होता है। क्यों? क्योंकि उसका फायदा उसमें होता है। जिसमें ज़्यादा फायदा होगा लैपटॉप चाहता है वो अभी आपको बेचे, जिसमें कम फायदा होगा क्योंकि वो जानता है ये वाला मॉडल जो है अच्छा है, इसको लोग खोजते खोजते आते हैं, उसको ले लेते हैं। इसलिए पर पहले रिसर्च कर लीजिए, उसके बाद वहाँ पर दुकान पर जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं, बताता हूँ आपको बंदा बन करके 5 कंपनी के लैपटॉप जिसमें मैं विश्वास करता हूँ, जिसको नंबर 1 पे मैं रखता हूँ, उसके बाद 2nd पे किसको रखता हूँ, 3rd पे किसको रखता हूँ। देखिए, मेरे हिसाब से अगर मुझे लैपटॉप लेना अगर होगा तो मैं प्रेफर करता हूँ HP कंपनी का लैपटॉप। ठीक है दोस्तों, HP का लैपटॉप प्रेफर करता हूँ क्योंकि जब से मैं 18-19 साल से काम कर रहा हूँ तब से HP कंपनी के लैपटॉप आ रहे हैं। पहले कॉम्पैक अलग आता था, HP अलग आता था, अब सिर्फ HP ही आता, दोनों मर्ज हो चुके हैं और HP के लैपटॉप को मिल जाएंगे आपको। सेल्स आफ्टर सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मान लीजिए आपने लैपटॉप खरीद लिया, लैपटॉप वारंटी के अंदर है, तो ऐसे कंपनी का लैपटॉप ले लेते हैं जिसका आपके डिस्ट्रिक्ट के अंदर सर्विस सेंटर ना हो, तो क्या होगा, आपको बड़े शहर जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर के लिए, फिर आपको दिक्कत होगा। एक चीज़ ये हो चुका है। तो HP कंपनी का मेरे ख्याल से जो भी थोड़े बड़े शहर हैं हर जगह आपको सर्विस सेंटर मिल जाएगा, तो HP कंपनी का ही ले सकते हैं। दूसरा, इसमें देखिए 2 कैटेगरी लैपटॉप आते हैं, एक आता है कमर्शियल सीरीज का और एक आता है कंज्यूमर सीरीज का। कमर्शियल सीरीज मतलब वो हो गया कि जैसे लैपटॉप को चाहिए 24 आवर लैपटॉप को कैरी करना, आपको एक जगह से ले जाना दूसरे ले जाना, मतलब कि आपको एकदम बेहाल लैपटॉप चाहिए, तो मैं कहूँगा कि HP के अंदर आप दुकानदार से बोलिए मुझको ई-बुक चाहिए, कमर्शियल सीरीज चाहिए। अगर आपको होम सेगमेंट चाहिए, मतलब आपको घर के लैपटॉप चाहिए, आपको वर्ड एक्सेल पावरपॉइंट काम करना है, गूगल पर सर्च करना, ईमेल करना है, तो दुकानदार से कहिए मुझे कंज्यूमर सीरीज का लैपटॉप चाहिए। गूगल पर चेक कर लेंगे कि HP कंज्यूमर सीरीज लैपटॉप तो आपको मिल जाएंगे, कमर्शियल सीरीज लैपटॉप चेक कर लेंगे HP के तो आपको मिल जाएंगे। ये बात क्लियर हो चुका है। उसके बाद बात आती है, मान लीजिए वारंटी में, तो ठीक है कि आपको सर्विस मिल जाता है, दुकानदार बता देगा यहाँ सर्विस सेंटर, यहाँ चलिए पार्ट मिल जाएगा, आपको वारंटी में फ्री बन जाएगा। लेकिन जब लैपटॉप की वारंटी खत्म हो जाती है, कोई पार्ट खराब हो जाता है, ऐसे किसी ब्रांड का आपने लैपटॉप ले लिया है तो उसका पार्ट नहीं मिलेगा, तो आपको फिर दिक्कत होगी। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि HP कंपनी अगर आप भी लेना चाहते हैं तो HP प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बहुत लोगों का HP लैपटॉप के साथ में एक्सपीरियंस, मतलब अनुभव अच्छा नहीं रहा है, तो लोग HP प्रेफर नहीं करते हैं। चलिए छोड़िए, जिसको HP पसंद नहीं है वो 2nd नंबर पर जा सकते हैं डेल के बारे में। ठीक है, डेल का नाम आपने सुना होगा ना, डेल भी एक अच्छा ब्रांड है और डेल पहले शुरू में जो है, डेल जो है ऑफलाइन नहीं मिलता था, डेल के लैपटॉप सिर्फ ऑनलाइन मिलते थे, मतलब इंटरनेट के ऊपर जाकर के आप लैपटॉप ऑर्डर करते थे और उसके बाद वो लैपटॉप आपके घर पर डिलीवरी होती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से अब लैपटॉप डेल के जो है आपको ऑफलाइन मिल जाएंगे, आपको डेल के स्टोर मिल जाएंगे, आप डेल का लैपटॉप खरीद सकते हैं, वरना जो छोटे दुकानदार हैं वो भी लैपटॉप डेल का दे देते हैं आपको। देखिए, डेल में भी 2 प्रकार के लैपटॉप आते हैं, एक आता है कंज्यूमर सीरीज और एक आता है कमर्शियल सीरीज। जो कंज्यूमर सीरीज है उसको कहते हैं इंस्पिरॉन सीरीज और जो कमर्शियल है उसको कहते हैं वास्ट्रो। नोट कर लीजिए, इंस्पिरॉन आता है, वास्ट्रो आता है, इसके अलावा बहुत भी आते हैं, लेकिन मैं 2 बेसिकली बात कर रहा हूँ, इंस्पिरॉन के ऊपर, वास्ट्रो के ऊपर। अगर आपको कंज्यूमर सीरीज लेना है तो दुकानदार से कहिए मुझे इंस्पिरॉन सीरीज का लैपटॉप दिखा दीजिए, तो वास्ट्रो और या इंस्पिरॉन में से आप कोई मॉडल सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, 3rd नंबर बात करने जा रहा हूँ मैं एसर कंपनी का। ठीक है, एसर मतलब जो HP के अंदर और जो डेल के अंदर जो कॉन्फ़िगरेशन आपको लैपटॉप मिलेगा, एसर में उसके मुकाबले थोड़ा सस्ता मिल जाएगा। ड्यूरेबिलिटी बहुत नहीं है, इसके ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन हुआ करते थे, अब आजकल तो नहीं दिखते मुझे है, लेकिन इसके ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन थे, तो ब्रांड अच्छा है। अगर आप प्रेफर करना चाहते हैं तो उसे डेल के बाद HP के बाद में, तो आप एसर के साथ में जा सकते हैं। अपना अपना अनुभव होता है कि मैं भी एसर लैपटॉप बेचता रहता हूँ, लोगों से उनका फीडबैक लेता रहता हूँ, सेल्स आफ्टर सर्विस HP और डेल के मुकाबले थोड़ा सा कम मिलता है आपको एसर के अंदर। उसको भी 2 मॉडल आते हैं, इसमें भी कमर्शियल सीरीज आता है और कंज्यूमर आता है, आप दुकानदार से पूछ के देख सकते हैं। 4th नंबर बात करता हूँ मैं लेनोवो कंपनी का।
ठीक है दोस्तों, लेनोवो ही अच्छा ब्रांड है और मुझे लगता है कि आजकल ये अलग अलग चीज़ों के अंदर ये आ रहे हैं, इनके अंदर बहुत मॉडल आ रहे हैं अच्छे अच्छे और उसमें भी जो है आपको कंज्यूमर सीरीज मिल जाएगा आईबुक का, और उसके अंदर भी जो है कमर्शियल सीरीज मिल जाएगा। तो दुकानदार पे जाइए, आपको क्या चाहिए, कंज्यूमर चाहिए या कमर्शियल चाहिए, तो बात करके आप लेनोवो के अंदर भी जा करके लैपटॉप को ले सकते हैं, अच्छा ब्रांड है। सेल्स आफ्टर सर्विस एचपी और डेल के मुकाबले थोड़ा सा आपको कम मिलेगा, क्योंकि हर जगह उनके जो है पहुँच नहीं उनके मुकाबले। वैसे खैर ब्रांड ये भी ठीक है तो अपडेट कर सकते हैं। मैंने आपको चार कंपनी बता दिया, नंबर वन पे मैं रखा हुआ एचपी का, दूसरे नंबर रखा हुआ डेल, थर्ड नंबर पे मैं एसर और फोर्थ नंबर पे लेनोवो, और फिफ्थ नंबर में बताऊंगा आपको मैं कि आप आसूस का लैपटॉप प्रेफर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप गेमिंग के शौकीन हैं और आप गेम खेलना पसंद है, तो क्योंकि आजकल आसूस के अंदर बहुत सारे लैपटॉप आ रहे हैं, गेमिंग बेस्ड लैपटॉप होते हैं, उसके अंदर ज़्यादा डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड दिए रहते हैं और मतलब गेमिंग लैपटॉप बना गया है, और एचपी और डेल के मुकाबले लैपटॉप सस्ता आता है उनके मुकाबले, लेकिन सेल्स आफ्टर सर्विस फिर प्रेफर करता है, क्योंकि वारंटी में जब तक पार्ट है तो आपको छोटे शहरों में उसकी वारंटी के लिए सर्विस सेंटर नहीं मिलेंगे, और दूसरा जब वारंटी खत्म हो जाएगी तो आपको पार्ट के लिए भटकना पड़ेगा। क्यों भटकना पड़ेगा? क्योंकि जब प्रोडक्ट की ज़्यादा सेलिंग नहीं होगी तो आपके इसके पार्ट ईजिली अवेलेबल नहीं होंगे, जो कि डेल के अंदर एचपी के अंदर और आसूस के मुकाबले जो है उनमें इजी मिल जाएगा, लेकिन आसूस में थोड़ा टाइम लगता है मिलने के लिए। तो मैं किसी कंपनी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो रियलिटी हम लोग काम करते रहते हैं तुमको ये फेस करना पड़ता है कि इन सारे चीज़ों के पार्ट इजीली अवेलेबल होते हैं। तो अगर आपके मन में अब डाउट होगा किस ब्रांड का लैपटॉप लिया जाए, तो मुझे देख कर ही वीडियो को आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर वन पे एचपी रखिए, सेकंड नंबर डेल रखिए, थर्ड पे एसर, फोर्थ पे लेनोवो, फिफ्थ पे आप आसूस रख सकते हैं। ये दुकानदार आपको हमेशा चाहेगा कि ऐसा लैपटॉप सेल करें जिसके अंदर ज़्यादा उसकी आमदनी हो, ज़्यादा कमाई हो, इसलिए उसकी बातों मत जाइए। आप पता कर लीजिए कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। मान लीजिए आपको घर में काम करने के लैपटॉप चाहिए तो 4 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क, कोर i3 के काम कर सकते हैं। इंटेल बेस में अगर आप चाहते हैं AMD में लेने के लिए तो AMD राइजन, 4 GB रैम और 1 TB हार्ड डिस्क लगा काम कर सकते हैं। आपको थोड़ा स्पीड और चाहिए तो SSD के लिए पूछ लीजिए कि लैपटॉप में SSD लग जाएगा, तो SSD लगवा लीजिए, तो आपको वही परफॉर्मेंस है। दोस्तों वीडियो बनाओ आपको जो कि आपको इन्फॉर्मेशन दे और आपको कहने के फायदा। दोस्तों वीडियो पसंद अगर आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और उसमें कमेंट कर दीजिए, बता प्लीज कैसे वीडियो सकते हैं, वीडियो को शेयर करें। दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे इस एपिसोड में टॉपिक साथ में, तब तक के लिए आप सब लोग को नमस्ते दोस्तों।